सब कुछ यही देने वाला है। जो देख रहे हैं ये अल्फाज पे ध्यान करना, ये मैंने नहीं बोला है, सब कुछ देने वाले हैं, करने वाले मत। ब्राह्मण खानदान से ईमान लाया था ख्वाजा, माशाल्लाह ख्वाजा अकरम तक भी ईमान लाया, माशाल्लाह। बड़े फकीरी अंदाज में आप रहते हैं, बड़े फकीरी अंदाज से अपनी जिंदगी गुजारते हैं। आज है शब बरात, तो गरीब नवाज के बारगाह में अजमेर शरीफ में अल्लाहु अल्लाहु। आज है शब बरात गरीब नवाज के बारगाह में, और गरीब नवाज के आशिक चाहने वाले अपनी अपनी अकीदत के साथ हाजिर है दरबार में। और हमारा जो चैनल है टुडे न्यूज़ 24, उसके जरिए से हम मैसेज देना चाहते हैं कि तमाम लोग आज जो फेस्टिवल है, जो गरीब नवाज के बारगाह में जितने भी चाहने वाले हाजिर हैं, पूरी दुनिया के आशिक चाहने वाले दीवाने मस्ताने और जितने भी प्रशंसक, उनके लिए भी दुआ करते हैं खाने साहब सबको सलामत रखें। अब हमारे साथ हैं नायाब साहब, जो एक बहुत बड़े गरीब नवाज के आशिक और दीवाने हैं। पंडित नायाब नाम है इनका, और ये गरीब नवाज के बारगाह में इनके काफ़ी मुरीद लोग आते हैं। मेरी मुलाकात 30-35 साल पुरानी है गरीब नवाज के नस्बत और गरीब नवाज के वसीले से सिलसिले से ये सरकार में हर बार जब भी सरकार बुलाते हैं हाजिर रहते हैं। खानदान से भी ईमान लाया था ख्वाजा, माशाल्लाह ख्वाजा अकरम तक भी ईमान लाया, माशाल्लाह सरकार का करम मेरे ख्वाजा का करम है। नवाजी मेरे आका की जरा नवाजी, हम जैसे गुनाहगारों को नवाज दिया। इनकी नस्बत इनके वसीले से और इनके तमाम जो मुरीद हैं काफ़ी हैं। इनका नाम है पंडित नायाब, और ये गरीब नवाज के दरबार में मेरी ताल्लुका 30 साल पुराने हैं आपसे। तो गरीब नवाज के दरबार में इनके मुरीदों की एक नीयत है कि रही है कि हर बार जब भी आए और जब भी कुछ काम होते हैं, वैसे तो लोग गरीब नवाज के बारगाह में सुबह शाम हाजिर होते हैं, लेकिन ख्वाजा साहब के दरबार में जितने भी आशिक हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, यहाँ पे सिर्फ एक मैसेज है इंसानियत का, यहाँ दरबार है दरगाह नहीं है। मैंने कई बार मेरे क्लिप में, मेरे चैनल में बोला है, मेरे ब्लॉग में बोला है कि दरबार है ये, दरगाह नहीं है। हिंदलवली अताए रसूल ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, तो ये दरबार वो है जो यहाँ पर मांगने आते हैं, उनको गरीब नवाज नवाज देते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांग कर। तो ये नायाब साहब भी हाजिर हैं, और इनके मुरीदों की कुछ नियत है, कुछ मन्नतें हैं जो पूरी हुई हैं, जो देख मुबारक पेश की, जो अकबर बादशाह ने पेश की थी, और जहांगीर जब पैदा हुए थे तब छोटी वाली पेश की थी। अब आपके साथ एक और आशिक ख्वाजा हैं, आपका नाम बताएं जनाब, थोड़ा तेज बोले। उम्मेद खान। क्या करते हैं आप वहाँ? और कैसे आना हुआ आपका दरबार आ गया? मन्नत मांगने आए हैं, वो पूरी हो गई? मन्नत मांगने की पूरी हो गई हमारी बात। तो और अकीदत बड़ी है आपको खाने साहब की नस्बत से? बस ऊपर ले जो बुलाएंगे फिर आएंगे, फिर बुलाएंगे। ये गरीब नवाज की बारगाह की एक नस्बत है, एक सिलसिला है, एक वसीला है, सब कुछ यही देने वाला है। जो देख रहे हैं ये अल्फाज पे ध्यान करना, ये मैंने नहीं बोला है, सब कुछ देने वाले हैं, करने वाले मतलब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गरीब नवाज को वो नियामत, वो हरकत और बरकत अता फरमा दी है कि गरीब नवाज अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांग करो, तो हम बोल रहे हैं, लेकिन आप आले रसूल हैं, नायबुन नबी हैं, अताए हक हैं, आले नबी औलाद अली हैं, ननियाल से हसनी और ददियाल से हुसैनी हैं, अहले बैत की जान मुबारक गरीब नवाज। तो दुआ करते हैं अल्लाह ताला सबकी मुश्किल आसान फरमाए। बड़े फकीरी अंदाज में आप रहते हैं, बड़े फकीरी अंदाज से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। पंडित नायाब साहब को मैं 30-35 साल से जानता हूँ, बड़े ही गरीब नवाज के सदाई हैं, आशिक हैं और दीवाने और मस्ताने हैं। यह है आज का मंजर, जो दरबार आलिया में ख्वाजा साहब के आशिक चाहने वाले हाजिरी के लिए हाजिर हैं, और सरकार से सरकार के आसानी आलिया में इबादत के लिए शरीक होंगे रात को बाद नमाज इशा, वो ज़ियारत के लिए यहाँ से अपनी अपनी अकीदत का नजराना तरीके से पेश करते हैं, और ये लाइन में लगकर ख्वाजा साहब के चाहने वाले कोई भी आशिक, कोई भी दीवाना, कोई भी मस्ताना दरबार आलिया में अपनी अकीदत का नजराना यहीं से जाकर अपनी हैसियत के मुताबिक पेश करते हैं। आज माशाल्लाह काफ़ी लंबी लाइन है गरीब नवाज के दीवाने और चाहने वालों की, कवाली हर तरफ सरकार का समा। अजीज़ गरीब नवाज के आशिक ख्वाजा मोहम्मद सरदार खान हाजिर हैं, जो गरीब नवाज के बारगाह में सरकार के बुलावे पर हर महीने जैसे जैसे सरकार बुला लेते वो हाजिर होते हैं। मिलाता हूँ सरदार भाई, ये है आना हुआ दरबार मेरा 15 साल का जन्म हो गया कि मुझे दिल से जन्म बुलाएंगे, और दिल इंशाल्लाह जिधर से फैस पा कर जाएगी, इंशाल्लाह लेकर जाएगी। दुआ करते हैं गरीब नवाज
हर आशिक ख्वाजा की, हर चाहने वाले की, हर मस्ताने की दुआ कबूल फरमाए। और जितने भी लोग आए हैं आस्थाने आलिया में अपनी अपनी दिली मुराद, दिली तमन्नाएं लेकर, अल्लाह हुजूर गरीब नवाज से मांग कर ख्वाजा साहब हम सबको अता करें, हमारे बच्चों को सलामत रखें, हमारे हिंदुस्तान में अमन अमान रहे, हमारा हिंदुस्तान कामयाब रहे, हमारे हिंदुस्तान के तमाम लोगों को अल्लाह ताला खैर व बरकत से नवाजे और हासिद और मुनाफिकों की गंदी नज़रों से महफूज रखें, सबको दीन तालीम की इल्म से नवाजे, सबकी बलाओं को दफा फरमाएँ, सबके बच्चों को दीन और दुनिया की तालीम से मालामाल फरमाएँ, जिनकी बच्चियाँ खैर व बरकत से अपने घर की पढ़ाई से आसानी अता फरमाएँ, और जो बीमार हैं उनको शिफा दे, ना औलादों को औलाद अता फरमाए। ये गरीब नवाज के आशिकों की कतार दिखा दो बेटा ज़रा, गरीब नवाज के दरबार में किस तरह से, दरबार में जितने भी आशिक गरीब नवाज के दरबार में हाजिर हैं, इबादत में बैठे हैं और गरीब नवाज के बारगाह में अपने तरीके से अपने अंदाज में दरबार में हाजिरी दे रहे हैं। ये दरबार में यहाँ पर अगरबत्ती रोशन कर रहे हैं, कौन कहाँ कैसे गरीब नवाज करम फरमाए। ये सरकार के बारगाह में चादर पोशी करते हुए सरकार के आशिक के ख्वाजा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, गरीब नवाज मदद, गरीब नवाज करम नवाज, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज है शबे बरात, तो गरीब नवाज के बारगाह में अजमेर शरीफ में तमाम आशिक ख्वाजा हाजिर हैं अपनी अपनी अकीदत के साथ, अपने तोहफों के साथ। वालेकुम सलाम मियां, हुजूर की बारगाह में यूं तो रोज़ सुबह शाम सरकार के आशिक दीवाने हाजिर होते हैं, कहते हैं कि इरादे रोज़ बनते हैं, बनकर वो टूट जाते हैं, वही अजमेर शरीफ आते हैं जिन्हें हिंदल वली अताए रसूल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बुलाते हैं। ख्वाजा साहब सबकी मुश्किल आसान फरमाएं और सबकी हर दिली तमन्नाएं पूरी फरमाएं। मदद कुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती, मदद कुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती। ये आज का मंजर है, आज शबे बरात है, रात में इबादत और इल्तिजाएं फरियादें, अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन सब आशिकों की दुआ कबूल करें। अपने अपने लंगर नियाज के साथ में सरकार आशिक हाजिर हैं, सरकार सबकी दुआ कबूल फरमाएं और सबकी मुश्किलें आसान फरमाएं। मदद कुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती।